नमस्कार, दैनिक शुभ टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कहीं भी अपनी मागंदी मानसिकता को कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों की असमत को तार तार करने में रत्ती बार भी संकोच नहीं करते हैं। हवस के बेड़े हमारे आगे पीछे भी हो सकते हैं, कहीं भी हवस के बेड़िए पाए जाते हैं जिनकी मानसिकता दरिंदगी भरी हो, गंदगी भरी हो। बताना चाहेंगे, एक 27 वर्षीय महिला के साथ यानी के रेप का मामला सामने आया है। विवाहिता महिला थी जिसके साथ इस तरह की घटना हुई, पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। बताना चाहेंगे, लखनपुर पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर मामला दर्ज करते किया और उसे बताया कि उसे गांव में ही एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। यानी ये बताया जा रहा है कि रात को जब वह अपने यानी कि खेतों में गई तो उसके चलते एक व्यक्ति जो घात लगाया था उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। बताया जाए कि पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जगतपुर मंताडी की रहने वाली एक महिला की तरफ से पुलिस में लिखित शिकायत दी गई है। उसने पुलिस को बताया कि वह रात को घर से बाहर यानी कि खेतों में गई हुई थी। आप जानते हैं कई जगहों पर आज भी शौचालय नहीं बने हैं, वॉशरूम नहीं बने हैं। हो सकता है वो महिला खेतों में वॉशरूम करने गई हो या फिर अपने खेतों की खेती बाड़ी में जिस तरह से लोग रातों को भी पानी लगाने जाते हैं, पानी देने के लिए जाते हैं, उसे उस संदर्भ में वहां पर गई होगी। उसी इलाके के एक व्यक्ति ने उसे पकड़कर अपनी हवस का शिकार बनाया। महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की तरफ से उसकी मेडिकल जांच भी करवाई गई है। उसके बाद इस संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। लगातार इस तरह के मामले यौन उत्पीड़न या यूं कहे कि बलात्कार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं, कभी नाबालिग बच्चियों के साथ इस तरह से दुष्कर्म होता है, कभी किसी वर्किंग प्लेस पर महिला के साथ ऐसा होता, कभी घर में काम करने वाली नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। कभी इस तरह से यानी महिलाओं को हर तरह से शिकार बनाने का ये हवस के बेड़िए ताक में बैठते हैं। इसी तरह का एक मामला लखनपुर से सामने आया है, जहां पर एक महिला रात को अपने खेतों में जाती है और एक व्यक्ति जो हवस का बेड़िया इसी यानी के फिराक में था और जूही इस महिला खेत में जाती है और उसके साथ यानी उसे जबरन उसके साथ दुष्कर्म करता। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बार बार हम कहते हैं कि इस तरह की चीजें जो सामने आ रही है कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी बहन बेटियां माताएं बहनें आखिर कहां पर सेफ है। आए दिन इस तरह के मामलात जो सामने आते हैं कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों को, समाज की बहन बेटियों को हवस का शिकार बनाते हैं, इन पर फास्टैग कोर्ट के माध्यम से जल्द अज जल्द शिकंजा कसना चाहिए और जब ये प्रूव हो जाए इन्हें इबरतनाक सजा होनी चाहिए। क्योंकि आज किसी और की घर की महिला के साथ कल कहीं समाज की किसी और महिला के साथ भी हो सकता है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि रेप केसेस, छेड़खानी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, पुलिस भी अपना काम कर रही है, पर लोगों को भी अब जरूर कहेंगे, इस महिला ने तो लिखित में जाकर शिकायत दी, पर कई बार ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे हादसे सामने आते हैं कि लोग शर्म के मारे या यूं कहते हैं कि पुलिस के पास जाने से डरते हैं कि कहीं कल को हम ही ना परेशानी में आ जाए। पर अब वो समय नहीं रहा। पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस आपके लिए, अगर आप किसी भी महिला बहन बेटी के साथ गलत होता, चाहे वो शहर की रहने वाली हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली हो, आपको आगे आना होगा, शिकायत करनी होगी, अन्यथा ये ना हो आने वाले समय में ऐसे लोगों की जो ऐसी गंदी मानसिकता रखते हैं उनके हौसले बुलंद हो, आज आपको कल किसी और को वो अपनी हफ्ज का शिकार बनाए। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।